हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की इस फ्रेश एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और नेपाल की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कंपैरिजन में। ये दो देश अपने अपने हाइड्रो पावर कैपेसिटी में डेवलप करना चाहता है और बहुत तेजी से इस सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन कौन बनेगा साउथ एशिया का हाइड्रो पावर किंग, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान इंदुस, जेलुम और चेनाब जैसा पावरफुल रिवर को इस्तेमाल करना चाहता है और इस्तेमाल कर रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जरिया से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। और दूसरी तरफ है साउथ एशिया का एक पावरफुल देश नेपाल। नेपाल में ऊपर तामाखुशी प्रोजेक्ट, जो नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और भी बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में नेपाल काम कर रहा है और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। पाकिस्तान और नेपाल में एक चीज कॉमन है, दोनों देश अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करके देश का एनर्जी क्राइसिस को खत्म करना चाहता है। लेकिन जहां पाकिस्तान अपना नेशनल प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है, दूसरी तरफ नेपाल अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा प्लान किया है। और इस प्लान को सामने रख के नेपाल बहुत तेजी से हाइड्रो पावर इंडस्ट्री में डोमिनेट करना चाहता है और नेपाल इस सेक्टर में बहुत आगे चला गया। नेपाल का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जापान, चाइना, यूरोप का बहुत सारे कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और देखा जाए तो नेपाल का पास साउथ एशिया को एनर्जी एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा प्लान है और नेपाल बहुत तेजी से अपना प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पाकिस्तान के पास साइज और कैपेसिटी के हिसाब से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल अपना नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करके बहुत कम पैसा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और नेपाल का इलेक्ट्रिसिटी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए इसका डिमांड पूरी दुनिया में है। और बहुत तेजी से नेपाल बहुत सारे कंट्री को बिजली एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान और नेपाल ये दोनों देश अपने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना और इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, लेकिन नेपाल का बात कुछ और है। नेपाल का क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में काम करना और बहुत तेजी से इस प्रोजेक्ट में डोमिनेट करना नेपाल को साउथ एशिया का ग्रीन एनर्जी का लीडर बनाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नियर फ्यूचर में नेपाल पूरी एशिया में बिजली एक्सपोर्ट कर सकता है? क्या नेपाल बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की सुपर पावर? इस बारे में आपकी राय कमेंट करके हमें बताएं। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।